महंगाई का घोड़ा जो 1990 में ढुल की चाल से चल रहा था आज सर पर दौड़ रहा है। विगत दो वर्षों से महंगाई ने अपने सर पर दौड़ लगाता चला जा रहा है, फिर भी पूरे समाज में महंगाई को लेकर के इतनी उदासीनता क्यों है? इन कारणों के जानने की हमने आज एक कोशिश की। परिवार में कितने लोग हैं? हाँ तो चार हैं। अच्छा, तो जितना आप कमाती हैं उससे परिवार चल जाता है? अरे दो दो काम मिलता है, दो 200-250 रुपया मिलता है, काम मिलता है, क्या छेड़ा करेंगे। अब हम लोग यही है कि क्या होता है इतने में। अरे जैसे सबके पब्लिक के तनख्वाह वाले के तो तनख्वाह बढ़ गई है, वो मजदूरी वाले बेचारे का, हम ही लोग तो बढ़ना चाहिए। इतना मेहनत करते हैं, हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। मऊ लोग को तो कुछ मिलना चाहिए महंगाई के ऊपर। इस समय भारत में जरूरत से ज्यादा भोजन भी है। यहाँ गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं। इस अधिक अनाज को ये चूहे खा जाते हैं या सड़ता रहता है या कम दामों में बाजार में बेच दिया जाता है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग करीब 20। आपके यहाँ जो खाना बन रहा है दोनों का खाना बन जाता है ठीक से? नहीं, प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत होती है? अभी समय जितना इनकम होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। महंगाई का असर पड़ता है? जी 100% पड़ रहा है, क्या करें। अब जैसे कहने का मतलब कुछ खाने पीने की इच्छा हुई, पैसा नहीं तो क्या करेंगे। आपके पति क्या करते हैं? वो बालू ढोते हैं। बालू ढोते हैं, आज का ईंटा गारा के काम करे जाते हैं। अच्छा, कि एक दिन में कितना कमा लेते हैं? अब वो जवान मजदूरी है, कहते हैं 120 रुपया महीने में। और ये दोनों वक्त चूल्हा जल जाता है? नहीं, कभी कभी कहती नहीं, कभी जल जाता है, कभी कहती दोनों समय नहीं, कभी नहीं। कहे कि महंगाई है गाँव? महंगाई सब कुछ है, तेल है, कहते दाल है, चावल है, सब्जी भी महंगा है, कोई सब्जी भी सस्ता नहीं है। गेहूँ चावल सस्ता कर दे हम लोग के, जो है कुछ भी मिले जाए ना मिले। महंगाई की मार निश्चित रूप से भयानक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि इतना सब होने के बावजूद जनता उदास और खामोश क्यों है। इन सब चीजों का संचालन बाजार की शक्तियों के हाथ में है। मैं अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए इलाहाबाद से।